तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले हमने इस पर खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया था, तो अभी आप देख सकते हैं कि घास कुछ इस प्रकार से पीली हो गई है और पीली होकर पूरी गल गई है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने प्याज की चौपाई किस तरीके से करवाई है और जिस समय इसको लगाया था उस हिसाब से अभी तक इसको देखें तो करीब हमारी जो फसल है 25 दिन की हो चुकी है और 20 से 25 दिन के बाद आपको इसमें खरपतवार नाशक दवाई डालने की आवश्यकता होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि खरपतवार नाशक दवाई 2 बार इसमें 2 प्रकार से डाली जाती है। एक तो लगाने से पहले ही, पानी देने से पहले ही आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया है तो आपको फिर 25 से 30 दिन के बाद एक बार फिर से इसमें दवाई डालने की आवश्यकता होगी। और आप इस समय कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, उसी के साथ साथ उस दवाई में आपको और कौन सी दवाई ऐड करके डालना चाहिए ताकि प्याज की फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे और प्याज की फसल भी स्वस्थ रहे, उसी के साथ साथ खरपतवार भी काफ़ी आसानी से नियंत्रण हो जाए। तो अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ मौसम ख़राब था जिस वजह से इसको पानी थोड़ा लेट दिया गया। अगर 15 दिन की अवस्था में इसको पानी दिया जाता तो 20 दिन की अवस्था में दवाई का स्प्रे कर दिया जाता, और अभी इसको 20 दिन की अवस्था में पानी दिया गया है दूसरा पानी, तो इस वजह से 25 दिन की अवस्था में इसमें खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया जा रहा है। तो खपतवार थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है इसलिए हम दवाई की मात्रा थोड़ी बढ़ा रहे हैं। दवाई की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो प्याज की फसल को भी थोड़ा सा नुकसान वो पहुंचाती है, तो इसलिए हम इसमें 2 प्रकार की और दवाइयाँ ऐड कर रहे हैं ताकि प्याज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं न पहुँचे। तो किसान भाइयों चलिए जान लेते हैं फटाफट से ये सारी जानकारी। और जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और जो किसान भाई पहले वीडियो नहीं देख सके, यानी कि जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहले वीडियो उन्होंने नहीं देखे हैं, तो वो आई बटन में ऊपर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने प्याज की चौपाई करवाई थी, उसमें कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग किया था और पानी के साथ दूसरे पानी के साथ हमने पहली खाद कौन सी डाली थी, ये भी आपको सारी जानकारी आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारी जो प्याज की फसल है 20 दिन से 25 दिन की हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसमें खपतवार है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो खपतवार पर खपतवार नाशक दवाई डालने का सबसे सही समय ये होता है कि जब आपकी प्याज 15 से 20 दिन की हो जाए और उसमें जब खपतवार निकले तो खपतवार करीब 2 से 3 पत्ती का होगा, यानी इस साइज़ का होगा, तो काफ़ी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन खपतवार अगर इस साइज़ का हो जाता है तो इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, लेकिन इसमें थोड़ी सी दवाई का मात्रा हमने बढ़ा दी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सकरी चौड़ी पत्ती की खपतवार भी इसके अंदर है और उसी के साथ साथ इस प्रकार की सकरी पत्ती की खपतवार भी इसके अंदर है। तो आप चाहें तो 2 अलग अलग प्रकार की दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं या फिर चाहे तो एक ही प्रकार की दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं डाउ कंपनी की गोल, जो कि मार्केट में गोल के नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अंदर होता है ऑक्सीफ्लुफेन 23.5% EC, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चौड़ी पत्ती को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। अब बात करते हैं दूसरी दवाई की, तो अदामा कंपनी की एजिल का उपयोग कर सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है और इसका आप उपयोग सकरी पत्ती के लिए कर सकते हैं। अब ये 2 दवाइयाँ तो हो गई खपतवार के लिए, तो आप चाहे तो ये 2 अलग अलग प्रकार की दवाई का उपयोग कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इन दोनों दवाई का कॉम्बिनेशन, यानी जो अदामा कंपनी की डेकल आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अलग अलग दवाइयाँ लेनी हैं या फिर एक ही दवाई लेनी है। रिजल्ट दोनों का सेम है, तो जो ऑक्सीफ्लुफेन होता है और उसी के साथ साथ और एजिल के अंदर प्रोपाग्यूजाफॉप होता है, तो जो डेकल आती है उसके अंदर दोनों केमिकल सेम यही रहते हैं, यानी जो अलग अलग दवाएं हैं इनका केमिकल सेम ही रहेगा, बस उनको उसको एक ही पैकिंग के अंदर दे दिया गया है। तो आप चाहे तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
तो ये दवाइयाँ खपतवार के लिए हो गई। अब बात करते हैं दो दूसरी दवाइयाँ की, यानी कि इस पर मच्छर वगैरह हैं या फिर जैसा कि हमने दवाई का स्प्रे किया तो इसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचाएगा, जिससे कि क्या होगा कि इसकी पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए हमने इसमें उपयोग किया है कॉन्फिडोर का, और बायर कंपनी की कॉन्फिडोर यानी इमिडा क्लोप्रेट का आपको उपयोग करना है। तो इसको आप इसके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने ऐड किया है 1919 पाउडर, तो 1919 को भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। और अब बात करते हैं इन सब की मात्रा की। तो जो आप डाउ कंपनी का गोल यूज़ करेंगे, इसकी मात्रा आपको 15 लीटर पानी के साथ 10 ml डाली है, और अभी आप जैसा देख सकते हैं कि खपतवार थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो हमने इसकी मात्रा 12 ml कर दी है प्रति 15 लीटर पानी के साथ। और बात करते हैं एजिल की मात्रा की, तो इसका आपको उपयोग करना है करीब 30 से 40 ml। तो अभी घास थोड़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए हमने इसको 40 ml उपयोग किया है, वैसे ये 30 ml आप मिला सकते हैं। इमिडा क्लोप्रेट 10 से 15 ml आप डाल सकते हैं, लेकिन प्याज अभी छोटी अवस्था में है इसलिए हम इसको 10 ml उपयोग करेंगे। 1919 आप करीब 30 ग्राम ले सकते हैं, 25 से 30 ग्राम एक पंप के अंदर 15 लीटर पानी के साथ। और इस प्रकार से आप खपतवार नाशक दवाई के साथ कुछ इस प्रकार से एक टॉनिक हो गया, यानी 1919 NPK खाद हो गया, और उसी के साथ साथ कॉन्फिडोर जो कि मच्छर वगैरह रहेंगे, जो ये घास पर मच्छर रहते हैं वो प्याज पर अटैक ना करे, इसलिए हम इमिडा क्लोप्रेट का उपयोग कर रहे हैं। और इसकी जो नई पत्तियाँ निकलेंगी वो काफ़ी स्पीड से निकलेगी, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो थिप्स होते हैं वो थिप्स भी इस दवाई से मर जाएंगे काफ़ी आसानी से, तो इसलिए हमने इसके अंदर ही इमिडा क्लोप्रेट का उपयोग भी कर दिया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले हमने इस पर खपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया था, तो अभी आप देख सकते हैं कि घास कुछ इस प्रकार से पीली हो गई है, और पीली होकर पूरी गल गई है। तो अभी ये धीरे धीरे पूरी जल जाएगी, और आप देख सकते हैं कि इस पूरी जो खपतवार थी काफ़ी अच्छे से जल चुकी है, और अभी जल भी रही है। और सक्रिय पत्ती की जो खपतवार है वो करीब 8 से 10 दिन लेती है जलने में, लेकिन चौड़ी पत्ती की खपतवार आपको 2 से 3 दिन के अंदर पूरी जली हुई मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें खपतवार नाशक का जिसका दवाई का उपयोग किया था, उससे जो घास है वो काफ़ी अच्छे से जल चुकी है। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं और उसमें खपतवार नाशक दवाई डालने की सोच रहे हैं, तो आप ये 2 से 3 दवाइयाँ जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, इससे प्याज पर थोड़ा सा असर हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम इस पर खपतवार नाशक दवाई का उपयोग करेंगे तो प्याज पर थोड़ा असर होगा, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि प्याज की जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं। और हालांकि इसमें हमने कॉन्फिडोर और उसी के साथ साथ जो 1919 पाउडर है वो मिलाया था, लेकिन फिर भी प्याज पर थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि खपतवार जल रही है, और कहीं जगह जल भी चुकी है। जो ज़्यादा बड़ी खपतवार है वो फिर से पुटाव कर लेगी, मतलब पूरी जड़ से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो छोटी या 3 पत्ती 4 पत्ती वाली खपतवार है वो काफ़ी अच्छे से जल जाएगी। तो किसान भाइयों, यह थी छोटी सी जानकारी प्याज में खपतवार नियंत्रण के बारे में, और आगे भी हम आपको प्याज की खेती पर समय समय पर वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।